अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल न्यू अल नूर ग्रुप से और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इको स्टार कंपनी के एक साउंड बार का। इको स्टार बेसिकली जो है वो एलईडीज के ऊपर ज़्यादा काम करती रही है और अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो साउंड बार लॉन्च की हैं। जो इसको हम इनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या एसेसरीज हैं और क्या क्या क्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड की है। मैंने तो पहले भी एक दूसरा इनबॉक्स किया था, वो देखा है, लेकिन मैं व्यूवर्स के लिए ये चीज़ स्पेशली कर रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस हो कि ये साउंड बार में क्या क्या क्वालिटीज़ इन्होंने लॉन्च की हैं। और वैसे भी यह हमारे यहाँ पाकिस्तान या ये एशिया की जो कंट्रीज हैं, ट्रेंड ये रहा है। ये देखें अंदर से, अगर कैमरा दिखा सके तो इसमें ये साउंड बार दी गई है। साउंड बार को इन्होंने क्या किया है कि तीन पीसिस में ये किया है ताकि ईजीली आप इसको एक्सेस कर सकें। अगर यहाँ से वहाँ ले जाना चाहें और पैकिंग करना चाहें तो ये बिल्कुल ईजी एक्सेस हो जाएगा। साउंड बार को हम देखते हैं, सबसे पहले ये इसका सेंट्रल जो है वो साउंड बार पैनल है इसका। इसमें ये एक पीस है और इसके साथ दो इसके साउंड बार के स्पीकर के पीस हैं। ये बेसिकली जो है वो 2.1 चैनल कहलाता है साउंड। इसका मॉडल नंबर है SBD600। ये है साउंड बार का मेन पीस। इसमें हम साउंड को अटैच कैसे करेंगे, बार को अटैच कैसे करेंगे, ये आप देख रहे हैं। इसमें हॉल है और ये इस साइड पे और राइट साइड पे जिसके ऊपर ये प्रिंटेड दिए गए हैं, इसमें ये राइट साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे जाएगा। इसको हम सिंपली ऐसे पुश करेंगे, आपको आवाज़ आएगी टिक की। ये देखें, ये लॉक हो गया। और दूसरी बार जो है इसके साथ हम इस तरह करेंगे, अटैच करेंगे इसी तरह, इसमें सिंपल, ये देखें लॉक हो गया। ये इसका लॉक हो गया। इसके पीछे दो नट दिए गए हैं, नट की जगह दी गई है, नट पीस के साथ हैं। इसके अंदर दो सिंपली स्क्रू लगाएंगे, ये अपनी जगह पे टाइट हो जाएगा। ये है हमारी साउंड बार जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। और इसके अलावा इसके रिमोट है, इसके अंदर ये चार्जर है इसका, और हम एसेसरीज देखते हैं क्या है। पावर केबल है इसके अंदर और ए वी पिन है, ये नट भी इसके अंदर दिए गए हैं, सॉरी। तो और इसके साथ हम इसको सबवूफर को निकालते हैं बाहर, अगर मुझे कैमरा दिखा सके। ये हम सबवूफर को बाहर निकालेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। इसको हम पलट लेते हैं मेरे ख्याल में इस तरह। ये जी हमारा सबवूफर जो है वो बाहर आ गया। इसको हम निकालते हैं बाहर शॉपर्स पैकिंग से। ये सब ऊपर दिया गया है। इसको भी इंस्टॉल करने का बहुत ही आसान तरीका दिया गया है। इसके साथ एक केबल है, ये देखें, ये इन दोनों को आपस में मिलाएगी। ये इसकी समझ लें कि साउंड की पावर केबल है। इसको हम सिंपली कैसे लगाएंगे, मैं दिखा सकता हूँ। इसको हम खोलें, बहुत ज़बरदस्त इसका साउंड है। और ये इसको अटैच करेगी, हम यहाँ से देख लें, इसके पावर पिन है, ये इस पर पिन लगाएंगे हम, इस तरह लग गई। और इस साउंड बार को इसके साथ हम आगे तक, इसको मैं मूव करता हूँ, इस तरह ये डिस्प्ले होगा। और इसमें ये मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, मेमोरी कार्ड भी आप चला सकते हैं। ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ के अलावा आप एलईडी के साथ अटैच कर सकते हैं, एवीपिन के साथ, एलईडी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसका ये अगर देख सके तो मॉडल नंबर देख लें आप, ये है इको स्टार और एस मॉडल नंबर है SBD600। ये साउंड बार स्पीकर कहलाती है। इसका पावर जो है वो RMS है, 30 वाट्स जो है इसका सबवूफर है और 18। अच्छा सर, अब हमने साउंड बार भी रेडी कर दी है और वूफर भी रेडी है। हम इसको प्ले करके चेक करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो हम सबसे पहले इसकी पावर केबल निकालेंगे और अडॉप्टर निकालेंगे। अडॉप्टर इसके DC इन आप चाहिए, भी साउंड बार के अंदर ही दिया गया है। अगर कैमरा मुझे दिखा सके तो मेरे ख्याल में मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें ये DC इन ऑक्स इन का जो है वो इसी बार के अंदर ही दिया गया है। हम यहाँ से इसको DC इन करेंगे, DC इन करके इसमें हम पावर केबल लगाएंगे, एडाप्टर के अंदर पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल लगाने पर इसको हम पावर देंगे, स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि इस साउंड की क्वालिटी कैसी है।
मेरे ख्याल में पावर आ गया है, और हाँ इसमें ऑन ऑफ का है बिल्कुल जी, ठीक। इसमें हम रिमोट सेल है हमारे पास, ठीक है, हम इसको सेल लगाएंगे। सेल लगाने के बाद हम इसको एक यूएसबी अटैच करेंगे, फिर हम देखते हैं कि साउंड की क्वालिटी इसकी कैसी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू आज इको स्टार के साउंड बार के न्यू मॉडल के ऊपर, और बहुत मेहरबानी। और मेरे पे चैनल को, मैंने नया चैनल लॉन्च किया है, तो इसमें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।